हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आज हम जानेंगे टॉप 50 करंट अफेयर्स ऑफ डिसम्बर मंथ 2018 के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिसम्बर मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको मैं ऑनलाइनर का फॉर्मेट में बना दिया हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि हु ऑनर्ड विथ 54th जनपथ अवार्ड। तो 54th जनपथ अवार्ड किसने पाए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष जो है वो 54th जनपथ अवार्ड पाए हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गेट कृषि कर्मण अवार्ड इन राइस कैटेगरी। तो राइस कैटेगरी में कौन सा स्टेट जो कृषि कर्मण अवार्ड पाया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा झारखंड। तो झारखंड गेट्स कृषि कर्मण अवार्ड इन राइस कैटेगरी। थर्ड क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST। तो NCST का न्यू सेक्रेटरी के रूम में किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अशोक कुमार सिंह। तो अशोक कुमार सिंह अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ईरानियन फिल्म बेक्स सुवर्ण चक्रम अवार्ड एट केरला फिल्म फेस्टिवल। तो केरला फिल्म फेस्टिवल में कौन सा ईरानियन फिल्म जो कि सुवर्ण चक्रम अवार्ड पाए है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डार्क रूम। तो डार्क रूम जो ईरानियन फिल्म है वो सुवर्ण चक्रम अवार्ड पाए है केरला फिल्म फेस्टिवल में। फिफ्थ क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। तो NCRB का न्यू डायरेक्टर के रूम में किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रामफल पावर। तो रामफल पावर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन BWF वर्ल्ड टूर फाइनल। तो पहले इंडियन कौन है जो कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा PV सिंधु। तो PV सिंधु विंस BWF वर्ल्ड टूर फाइनल। सेवेंथ क्वेश्चन, हु क्राउंड मिस यूनिवर्स 2018। तो 2018 का मिस यूनिवर्स किसने जीते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैटरीना ग्रे। तो कैटरीना ग्रे जो है फिलीपाइन से वो मिस यूनिवर्स 2018 जीते हैं। एइथ क्वेश्चन, व्हिच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग लॉ अगेंस्ट सेक्सटॉर्शन। तो कौन सा स्टेट जो कि पहला स्टेट है जो कि लॉ अगेंस्ट लाए हैं सेक्सटॉर्शन के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहला स्टेट है जो कि लॉ अगेंस्ट लाए हैं सेक्सटॉर्शन के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन, रिसेंटली एन MOU साइन बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो रिसेंटली इंडिया का कौन सा कंट्री के साथ जो MOU साइन किया गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान एंड इंडिया के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। टेंथ क्वेश्चन, व्हिच इंडियन फिल्म मेड इट शॉर्ट लिस्ट टू ऑस्कर। तो कौन सा इंडियन शॉर्ट फिल्म है जो कि शॉर्ट लिस्ट है ऑस्कर में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जो शॉर्ट फिल्म है वो अपना शॉर्ट लिस्ट बनाया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। इलेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच कंट्री डिक्लेयर्स 2019 एज द ईयर ऑफ टॉलरेंस। तो कौन सी कंट्री के द्वारा जो 2019 को ईयर ऑफ द टॉलरेंस डिक्लेयर किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा UAE। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कंट्री है वो 2019 को ईयर ऑफ टॉलरेंस के रूप में घोषित किए हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन, हु नेम्ड पेटा इंडियाज 2018 पर्सन ऑफ द ईयर। तो पेटा के द्वारा 2018 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोनम कपूर। तो सोनम कपूर नेम्ड पेटा इंडियाज 2018 पर्सन ऑफ द ईयर। 13th क्वेश्चन, गवर्नमेंट अपॉइंट्स हुम एज एडिशनल डायरेक्टर। तो गवर्नमेंट ने किसको एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट किए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नगेश्वर राव। तो नगेश्वर राव जो है वो एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट किए गया है। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2018। तो 2018 में WEF जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 108th। तो 108th पोजीशन में इंडिया है WEF जेंडर गैप इंडेक्स में। 15th क्वेश्चन, ऑन व्हिच डेट इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट पे जो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20th डिसम्बर। तो 20th डिसम्बर ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। 16th क्वेश्चन, द बुक चेंजिंग इंडिया इज रिलीज बाय होम। तो किसके द्वारा जो बुक है चेंजिंग इंडिया रिलीज हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के द्वारा जो चेंजिंग इंडिया बुक को रिलीज किया गया है। 17th क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द US। तो इंडियाज एम्बेसडर US के लिए किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धन श्रृंगल। तो हर्षवर्धन श्रृंगल जो है वो इंडियाज एम्बेसडर टू US है। 18th क्वेश्चन, कर्नाटक बैंक पार्टनर विथ व्हिच ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर होम लोन। तो होम लोन के लिए जो कर्नाटक बैंक ने कौन से ऑनलाइन मार्केट प्लेस के साथ पार्टनरशिप में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा paisabazaar.com।
तो कर्नाटक बैंक पार्टनर्स विथ पेशाबाजार.com फॉर होम लोन्स। 19th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज वोमेन्स क्रिकेट टीम कोच? तो इंडियाज वोमेन क्रिकेट टीम कोच के रूप में किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा WV रमन। तो WV रमन अपॉइंटेड एज इंडियाज वोमेन्स क्रिकेट टीम कोच। 20th क्वेश्चन, व्हेयर द ग्लोबल एविएशन समिति GAS 2019 इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन जनवरी 2019। तो जनवरी 2019 में कहाँ पर जो ग्लोबल एविएशन समिति होने जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुंबई। तो मुंबई में जो ग्लोबल एविएशन समिति GAS 2019 होने जा रहा है। 21st, इंडिया विथ हुईच कंट्री होल्ड फर्स्ट पीपल टू पीपल एक्सचेंज मीटिंग? तो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज मीटिंग कर रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चाइना। तो इंडिया विथ चाइना होल्ड फर्स्ट पीपल टू पीपल एक्सचेंज मीटिंग। 22nd, व्हिच स्टेट मर्जेस एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन स्टार्टअप रैंकिंग 2018? तो स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में कौन सा स्टेट जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। तो गुजरात मर्जेस एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन स्टार्टअप रैंकिंग 2018। 23rd, हु अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC? तो CBIC के न्यू चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रणव कुमार दास। तो प्रणव कुमार दास को अपॉइंटमेंट किया गया है CBIC का चेयरमैन के रूप में। 24th, हु अवार्डेड बेस्ट एक्टर इन स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018? तो स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 में बेस्ट एक्टर के रूप में किसको अवार्डेड किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रणबीर सिंह। तो रणबीर सिंह अवार्डेड एज बेस्ट एक्टर इन स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018। 25th, इको निवास समिहित 2018 लॉन्च बाय हुईच मिनिस्ट्री? तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो इको निवास समिहित 2018 को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पावर मिनिस्ट्री। तो पावर मिनिस्ट्री लॉन्चेस इको निवास समिति 2018। 26th, ऑन हुईच डेट नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट में जो नेशनल मैथमेटिक्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 22nd December। तो 22nd December ऑब्जर्व एज नेशनल मैथमेटिक्स डे। 27th, हुईच स्टेट CM अनाउंसेस 10,000 crore कालिया स्कीम फॉर फार्मर्स? तो कौन सा स्टेट का CM जो कि 10,000 crore कालिया स्कीम लॉन्च किए हैं फार्मर्स के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओडिशा। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जो कि नवीन पटनायक हैं वो 10,000 crore इन्वेस्टमेंट किए हैं कालिया स्कीम फॉर फार्मर्स के लिए। 28th, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मोबाइल ऐप शिक्षा सेतु? तो शिक्षा सेतु जो मोबाइल ऐप है वो कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्टेड किए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हरियाणा। तो हरियाणा गवर्नमेंट स्टार्टेड मोबाइल ऐप शिक्षा सेतु। 29th, व्हिच कंट्री स्टॉक मार्केट ओवरटेक्स जर्मनी टू बिकम 7th largest इन द वर्ल्ड? तो कौन सा कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है वो जर्मनी को ओवरटेक करके 7th largest इन द वर्ल्ड बना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंडिया। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट ओवरटेक्स जर्मनी टू बिकम 7th largest इन द वर्ल्ड। 30th question, ऑन व्हिच डेट नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट में जो नेशनल कंज्यूमर डे को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 24th December। तो 24th December इज ऑब्जर्व एज नेशनल कंज्यूमर डे। 31st, व्हिच स्टेट असेंबली पासेस एंटी मोब वायलेंस बिल? तो कौन सी स्टेट असेंबली के द्वारा जो एंटी मोब वायलेंस बिल को पास किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मणिपुर असेंबली। तो मणिपुर असेंबली पासेस एंटी मोब वायलेंस बिल। 32nd, व्हिच टीम विन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2018? तो कौन सी टीम ने जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2018 जीते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड जो क्लब है वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2018 को जीते हैं। 33rd, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्टेड किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा BP Rao। तो BP Rao जो है वो इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में जो कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। 34th, इन व्हिच सिटी डिफेंस मिनिस्टर इनाग्रेट्स इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर? तो कौन सी सिटी में जो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इनाग्रेट हुआ है फ्यूजन सेंटर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरुग्राम। तो गुरुग्राम सिटी में डिफेंस मिनिस्टर ने फ्यूजन सेंटर को इनाग्रेट किए हैं। 35th, व्हिच सिटी रिकॉर्ड सेकेंड हाइस्ट पॉल्यूशन लेवल इन 2018? तो 2018 में कौन सी सिटी को सेकेंड हाइस्ट पॉल्यूशन लेवल सिटी के रूप में चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली। तो दिल्ली रिकॉर्ड सेकेंड हाइस्ट पॉल्यूशन लेवल इन 2018। 36th, PM मोदी इनाग्रेट्स बोगबिल ब्रिज इन व्हिच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में जो PM मोदी के द्वारा इनाग्रेट हुए हैं बोगबिल ब्रिज? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आसाम। तो आसाम में PM मोदी ने बोगबिल ब्रिज को इनाग्रेट किए हैं।
37th ऑन व्हिच डेट गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट पे जो गुड गवर्नेंस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर ऑब्जर्व एज गुड गवर्नेंस डे। 38th रिसेंटली हु इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम, तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली किसको इंडक्टेड किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिंकी पोंटिंग। तो रिंकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड किया गया है। 39th हु अपॉइंटेड एज इंडियाज चीफ बॉक्सिंग कोच, तो इंडिया का चीफ बॉक्सिंग कोच के रूप में किसको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीए कोटप्पा। तो सीए कोटप्पा जो है उनको इंडियाज चीफ बॉक्सिंग कोच के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। 40th क्वेश्चन हु क्राउन मिसेस इंडिया 2018 टाइटल, तो 2018 में मिसेस इंडिया टाइटल किसको मिला है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिव्या पतिदार जोशी। तो दिव्या पतिदार जोशी को मिसेस इंडिया 2018 का टाइटल मिला है। 41 नेम द फर्स्ट मैसेजिंग ऐप लॉन्च्ड बाय तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान के द्वारा जो फर्स्ट मैसेजिंग ऐप लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बीज बैड। तो बीज बैड जो मैसेजिंग ऐप है वो तुर्कमेनिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। 42nd शेख हसीना विन थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज पीएम ऑफ व्हिच कंट्री, तो कौन सी कंट्री के पीएम जो कि शेख हसीना जो कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके नेम है शेख हसीना। 43rd हु विंस बल्कन एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2018, तो 2018 में जब बल्कन एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लुका मॉड्रिक। तो लुका मॉड्रिक जो कि क्रोटियन के कैप्टन है और रियल मैड्रिड के प्लेयर है, उनको बल्कन एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 मिला है। 44th हुई शॉर्ट फिल्म वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट एशिया साउथ ईस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, तो एशिया साउथ ईस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में कौन सी शॉर्ट फिल्म को जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड का अवार्ड मिला है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। तो फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज जो शॉर्ट फिल्म है उनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है एशिया साउथ ईस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में। 45th 42nd इंडिया सोशल साइंस कांग्रेस इनाग्रेट इन व्हिच स्टेट, तो कौन सी स्टेट में जो 42nd इंडिया सोशल साइंस कांग्रेस इनाग्रेट हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओडिशा। तो ओडिशा में जो 42nd इंडिया सोशल साइंस कांग्रेस इनाग्रेट हुआ है। 46th हु नेम्ड आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना जो है उनको आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। 47th सेंटर अप्रूव्स आरएस हाउ मेनी क्रोर असिस्टेंस टू तमिलनाडु फॉर साइक्लोन गजा, तो सेंटर ने कितने क्रोर का जो कि असिस्टेंट दिए हैं तमिलनाडु को साइक्लोन गजा के लिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1146.12 करोर। तो तमिलनाडु को जो साइक्लोन गजा के लिए सेंटर के द्वारा 1146.12 करोर का असिस्टेंट दिया गया है। 48th हु अपॉइंटेड न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुधीर भार्गवा। तो सुधीर भार्गवा जो है उनको न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंटमेंट दिया गया है। 49th वेयर द एशिया पैसिफिक समिति 2018 बिगिंस, तो कहाँ पर जो एशिया पैसिफिक समिति 2018 बिगिंस हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काठमांडू। तो काठमांडू में एशिया पैसिफिक समिति 2018 बिगिन हुआ है। 50th क्वेश्चन इंडिया अनाउंसेस INR 4500 करोर असिस्टेंस टू व्हिच कंट्री, तो कौन सी कंट्री के लिए जो इंडिया का 4500 करोर असिस्टेंट दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भूटान। तो भूटान के लिए इंडिया ने 4500 करोर का असिस्टेंट दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही मंथली अपडेटेड करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।